साथियों, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। दोस्तों, अगर आप बजरंगबली के भक्त हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों, बता देते हैं कि इस साल जनवरी के साझापुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां बजरंगबली की करीब 130 साल पुरानी मंदिर को तोड़वाने के लिए जमकर हंगामा हुआ। भगवान मूर्ति हनुमान की हटाने लगी तीन भारी भरकम क्रेनें। कई मशीनों की हालत ख़राब हो गई और बताया जा रहा है कि करीब तीन दिनों तक हनुमान की मूर्ति को तोड़वाने की कोशिश की गई, लेकिन तीनों जेसीबी और मशीनों के साथ साथ ताकतवर मशीन भी का तेल निकल गया, लेकिन हनुमान जी की मूर्ति को टस से मच नहीं कर पाए। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज भी हनुमान की श्रद्धा उमड़ रही है, आज भी हनुमान जी जिंदे हैं। मंदिर को तोड़वाने की खबर गुस्से में हुए हिंदू युवा बहन के सदस्यों के सहित कई ग्रामीणों को ने आरा कंपनी की जैसी जीएसएम के जबरदस्त विरोध किया और पुतला फेंका और जलाया। जबरदस्त विरोध करते हुए कहा कि मंदिर को उसी जगह रहने दो, नहीं तो प्रशासन इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हंगामे के देखते हुए क्षेत्र के एसडीएम सत्यवीर सिंह ने पूरे मामले को रिपोर्ट डीएम तक पहुंचाई और मंदिर को तोड़वाने के लेकर क्षेत्र में फैले तनाव को लेकर हाई कमान की मीटिंग भी हुई। साझापुर के थाना तलक में नेशनल हाईवे 424 के बने हुए 130 साल पुराने मंदिर को नाम पर काचियाना खेड़ा मंदिर मीडिया में रिपोर्ट में के मुताबिक सड़क को चौड़ा करने के लिए आरा कंपनी मंदिर को तोड़ना चाहती थी, लेकिन मंदिर का यह फैसला लोगों के साथ खुद भगवान को भी रास नहीं आया। लिहाजा बताते कि तीन दिनों तक मंदिर को तोड़ने के बजरंगबली की विशाल मूर्ति को तोड़वाने के लिए कंपनी पसीने छूट गए। बताया जाता है कि कंपनी के प्रयास में मूर्ति का कुछ भी खंडित नहीं हुआ, और लेकिन मूर्ति की जगह पर हटाने की वजह से वही कामयाब नहीं हो पाए। मूर्ति में जादुई शक्ति देखते हुए श्रद्धालु भगवान बजरंगबली की जय जयकार और आस्था मजबूत हुई और क्षेत्र के मंदिर बजरंगबली के आवास मानते हुए उससे साक्षात भगवान हनुमान जी की इच्छा के बगैर ही मंदिर को तोड़ना नामुमकिन है। साझापुर के बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं की बहुत ही श्रद्धा उमड़ रही। जय बजरंगबली बाबा की जय।